नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जब से कोरोना वायरस आया है, सबसे बुरा हाल हुआ है धार्मिक ठेकेदारों का। ईश्वर अल्लाह गॉड के चमत्कार की पोल बिलों में दुबक कर जान बचाने पर सिमट गई है। लेकिन धार्मिक धंधा न हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी धंधे के खत्म होने का खतरा। ऐसे में इस धंधे को बचाने के लिए फेक न्यूज, अंधश्रद्धा के मैसेज प्रचारित कर के धंधे को बचाने की एक नाकामयाब कोशिश में जुटे हुए हैं। और रामायण सीरियल जब शुरू हुआ है, तब से इसने फेक न्यूज पे चार चांद लगा दिए हैं। भारत में बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से तो बिल्कुल ही सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हालांकि बहुत सारी डेटा भी छुपाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ब्राह्मण धर्म के ऋषि मुनियों पे वैज्ञानिकता थोपी जाती है, उसी तरह से भविष्य में ये ताली थाली और दिए जलाकर कोरोना वायरस को मारने की गाथा में वैज्ञानिकता थोप दी जाएगी। भक्तगण इस तरह की मूर्खता गतिविधियां भी पूरे जोरों शोरों से प्रचारित कर रहे हैं। इसी तरह से रामायण से संबंधित कुछ और भी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इस फेक न्यूज में यह प्रचारित किया जा रहा है कि आज रामायण का एपिसोड देखने के बाद पता चला कि ऋषि भरद्वाज ने निषाद राज को राम के साथ बैठाया तो न तो क्षत्रिय ने विरोध किया, न तो ब्राह्मण ने विरोध किया, उसको साथ में बैठाया। तो ये शूद्र वाला भ्रम किसने फैलाया? रामायण से पता चला कि निषाद राज और श्री राम एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे एक ही गुरु से। दूसरा यह है कि वह एक राज्य के राजा भी थे। इसका अर्थ है कि शूद्रों का पढ़ाई का अधिकार था, उसी जगह पढ़ाई का अधिकार था जहां अन्य वर्ण के लोग पढ़ते थे, उसी गुरु से पढ़ने का अधिकार था जिससे अन्य पढ़ते थे। और फोर्थ कंक्लूजन दिया गया है कि शूद्रों को राज का चलाने का भी अधिकार था, शूद्र वर्ण के लोग भी राजा बन सकते थे। और नीचे लिखा गया है कि और इन दुष्ट वामपंथियों ने इतिहास लिखते समय यह लिख दिया कि सनातन धर्म में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, यह भी पूरी तरह से फेक न्यूज है। सबसे पहले तो इसके अंतिम में जो लाइन लिखी गई है कि इन दुष्ट वामपंथियों ने इतिहास लिखते समय, तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजनीति तीन तरह के पार्ट में उसको आप मोटा मोटी बांट सकते हैं। एक दक्षिण पंथी जो कि धार्मिक विचारधारा के होते हैं और धर्म ग्रंथ हवा हवाई काल्पनिक जो भी बातें होती हैं उसी को इतिहास मानते हैं। दूसरे होते हैं सेंट्रल जो कि न्यूट्रल होते हैं, सभी धर्मों को एक समान लेकर चलते हैं। और तीसरे होते हैं वामपंथी जो कि वर्तमान में जीते हैं और इतिहास को उसी रूप में देखते हैं जैसा कि प्रमाण मिला है। तो इसीलिए यह मैसेज किसी दक्षिणपंथी का हो सकता है जिसे वामपंथियों की चिढ़ हो। दूसरी बात कि यह जो कहा जा रहा है कि वामपंथियों ने इतिहास लिखा है, यह बात भी पूरी तरह से गलत है। इतिहास किसी पंथ का नहीं होता है, बल्कि इतिहास खोजों और प्रमाणों सबूतों के आधार पर जो मिलता है उसके आधार पर होता है। जो शूद्रों के पढ़ाने की बात है, अगर ब्राह्मणों की किताब मनुस्मृति उठा के देखे तो वहाँ साफ तौर पे कहा गया है कि शूद्रों को पढ़ाई का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप वीडियो 45 देखें, उसमें मैंने पूरी डिटेल से दिखाया है। इसी तरह से ब्रह्म सूत्र में और शंकर दिग्विजय जो शंकराचार्य के जीवनी के नाम पर किताब है, उसमें भी वह शूद्रों के वेद पढ़ने के पूरी तरह खिलाफ है। यहाँ तक कि वेद पढ़ने पर उनके जीव काट लेने, कान में शीशा पिघला देने और छीर देने जैसे बातें करते हैं। तो ये रामायण की जहाँ तक बात है, मैं आपको किताब खोल कर दिखा देता हूँ। जो अयोध्या कांड है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि निषाद राज राम के साथ एक साथ पढ़ाई किए थे। इस पूरी किताब को खोलने पर यह पता चलता है कि निषाद राज जंगल में निषादों के बीच में राजा थे, यानी कि जहाँ पे वनवासी रहते होंगे, निषाद रहते होंगे, जिनको आप केवट कह सकते हैं, जो नाव वगैरह चलाते हैं मल्लाह, तो उनका जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा उसका नाम निषाद राज है। और यह भी पूरी किताब आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि निषाद राज की चर्चा दो जगहों पे होती है। एक जब राम आते हैं तो जो निषाद हैं वह अपने निषाद राज को बताते हैं कि राम आए हुए हैं, तो वो मिलने आते हैं। और दूसरी बार तब होता है कि जब भरत राम को मनाने के लिए आते हैं, तब इनका मिलन फिर निषाद राज से होता है। और उस समय भरत का जो सचिव है वह भरत को बताता है कि यह बूढ़ा निषाद राज, यानी कि यह बताया जा रहा है कि यह निषाद राज बूढ़ा है। तो आप ये सोचिए कि वह जब बूढ़ा है तो राम के साथ गुरुकुल में कैसे पढ़ा होगा। और दूसरी बात कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वह गुरुकुल में पढ़ा होगा। तीसरी बात कि यहाँ पे निषाद राज हमेशा सेवक की तरह पेश आ रहा है, चाहे राम के साथ हो या फिर भरत के साथ। और इसी रामायण के अगर उत्तर कांड आप पलटते हैं तो वहां पे आप पाते हैं कि वहां साफ तौर पे लिखा हुआ है 4th से लेकर 7th सर्ग के बीच में कि जब राम राज्य में एक ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो जाती है तो वह आके राम से कहता है कि मेरे बालक की मृत्यु हो गई है। उस समय वह 8 ऋषियों को बुलाते हैं, उन 8 ऋषियों में नारद भी होते हैं। और नारद यह सलाह देते हैं कि सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण ही तपस्या कर सकता था और वही पढ़ाई कर सकता था, त्रेता युग में क्षत्रिय भी कर सकता
सकता है और वह ब्राह्मण के बराबर हो गया। और फिर उसमें कहा जाता है जब शूद्र भी तपस्या करने लगेगा तो फिर राज्य में अनिष्ट होने लगेगा और इसी कारण से यह बालक मरा है। यानी कि कोई शूद्र जो है वह तपस्या कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। इसकी जांच कराने के लिए वह दक्षिण की तरफ जाते हैं और वहां पे वो पाते हैं कि एक सर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या कर रहा है जो अपना नाम शंभुक बताता है। उससे वो कुछ देर वार्ता करते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वही रामायण शूद्रों के पढ़ने लिखने के पूरी तरह से विरुद्ध था। और फिर जैसे ही वह हत्या करते हैं सारे देवता जय श्री राम और वाह राम के नारे लगाने लगते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि शूद्रों के पढ़ने लिखने और तपस्या के पूरी तरह से खिलाफ थे। इसीलिए यह कहना कि निषाद राज उनके साथ पढ़े थे और वर्ण व्यवस्था में सभी को पढ़ना अलाउ था, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रामायण में कहीं भी नहीं लिखा है कि निषाद राज उनके साथ पढ़े थे। हाँ, यह लिखा है कि वह निषादों के राजा थे और जंगल में रहते थे और वो सेवक शब्द इस्तेमाल करते हैं राम के लिए, उनका आदर सत्कार करते हैं, यानी कि वो तब भी राम के सेवक ही थे, ऐसा उसमें दिखाया गया है। तो इसी तरह से बहुत सी फेक न्यूज चल रही है। एक और फेक न्यूज अभी अभी चला है, उसको भी लगे हाथ में आपको बता ही देता हूँ। इस फेक न्यूज में यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है कि 5 तारीख को 9:09 के लिए दिया जलाना है तो इसका एक कारण है इस दिन आमद एकादशी है। जब मेघनाथ का वध नहीं हो पा रहा था तो इसी आमद एकादशी को भगवान राम ने घी के दीपक जलाकर ऊर्जा पुंज का निर्माण किया था और मेघनाथ का वध किया था। यह एकादशी विजय का प्रतीक है, इसीलिए आप सभी दीपक जलाएं, टार्च, मोमबत्ती, मोबाइल, जो भी सुविधा आपके पास हो वह जलाएं और ऊर्जा पुंज का निर्माण करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह भी पूरी तरह से फेक न्यूज है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ताली और थाली पिटवाई थी, वह भी पूरी तरह से अवैज्ञानिक था। और फिर से यह एक और टोटका करवाने लगे हैं कि दिया जलाएं, 9 मिनट का स्पीच दिए हैं और 9 बजे और 9 दिए जलाने की बात हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच के साथ खिलवाड़ है। और जो लोग भी ऐसा करेंगे या करने की सोच रहे हैं, बहुत लोग करेंगे भी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वैज्ञानिक सोच क्या होती है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट क्या होता है, इससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे फैक्ट चेक करके बता देता हूँ कि मेघनाथ जो है उसका जो वध हुआ था, सबसे पहली बात तो कि राम ने नहीं किया था। इसमें लिखा हुआ है राम ने घी के दिए जलाकर ऊर्जा पुंज का निर्माण कर मेघनाथ का वध किया था, यह पूरी तरह से गलत है। रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पूरा आप अयोध्या कांड पलट लेंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा कि राम ने वध किया था। हाँ, यह मिल जाएगा कि लक्ष्मण ने वध किया था। दूसरी बात कि 5 अप्रैल जो है उस समय आप बता रहे हैं कि मेघनाथ का वध हुआ था, तो लड़ाई कितने समय तक चली थी? अप्रैल पूरा चली, उससे पहले से भी चल रही होगी, क्योंकि अचानक से मेघनाथ का तो वध हुआ नहीं, उसके पहले लक्ष्मण भी मूर्छित हुए थे, उसके पहले कुंभकर्ण भी मरा था और उसके काफी पहले से लड़ाई चल रही थी। तो इसीलिए आप फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर कहां तक ले जाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ले आएंगे, क्योंकि अक्टूबर में आप दिखाते हैं कि राम ने रावण का वध किया था और फिर आप विजयादशमी मनाते हैं। तो आप इसी से सोच लीजिए कितना बड़ा फेक न्यूज है। इतनी लंबी लड़ाई तो कहीं व्याख्या ही नहीं हुई है, क्योंकि 13 साल तक राम और सीता तो एक ही साथ थे और 1 साल से तो वह कब्जे में थी, फिर इस बीच में काफी ड्यूरेशन तो ये खोजते हुए ही लग गए थे और जब खोजने के बाद से जब वहां पहुंचे तो बीच में काफी समय लगा और फिर ये कुछ समय का ही अंतराल था लड़ाई का। तो इसीलिए यह रामायण के किताब के अनुसार भी पूरी तरह से फेक न्यूज है। जहां तक ऊर्जा पुंज का निर्माण है तो आप उठा के परमाणु बम छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा ऊर्जा पुंज का निर्माण होगा कुछ? दिया जलाने की बात हो रही है, दिवाली के दिन कम दिए जलते हैं, कौन सा ऊर्जा पुंज का निर्माण हो जाता है? कितनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, उल्टे और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण सोच है कि 9 मिनट के लिए 9 दिए जलाने से ऊर्जा पुंज का निर्माण हो जाएगा। दरअसल कोरोना वायरस से सारे के सारे देश पीड़ित हो गए हैं, उसका कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय लोगों को यह गुरु घंटाली बताई जा रही है कि 9 दिए जला लो और सबको दुर्बुद्धि बनाया जा रहा है। तो यह बात आप लोगों को समझने की जरूरत है और सभी लोगों को सतर्क रखने की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन का सभी लोग फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। और साथ ही साइंस जर्नी का ही एक दूसरा चैनल रेशनल वर्ल्ड लॉन्च हो चुका है। इस पर जाकर आप विभिन्न मुद्दों पे डिबेट देख सकते हैं जो कि रेशनल्स और धार्मिकों के बीच में प्रसारित होती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कीजिए और लोगों को जागरूक करें। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।